हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयंक अरोरा दूनवेदा हेल्थ केयर सेंटर से। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिमोसिस की। फिमोसिस एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारी फोरस्किन, जो पीनिस के ऊपर फोरस्किन रहती है, काफ़ी टाइट रहती है। चार डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं इसमें। कहीं की फोरस्किन ईजिली रिट्रैक्ट हो जाती है लेकिन पेन रहता है, कहीं की बिल्कुल नहीं हो पाती, बहुत पेन ज़्यादा रहता है उसमें। तो ऐसी इसकी चार स्टेजेस हैं। कहीं का फोरस्किन बिल्कुल भी रिट्रैक्ट, आप कहें कि एक उंगली बराबर भी रिट्रैक्ट नहीं होती, तो इसे फिमोसिस किया जाता है। अगर हम लोग कॉमन वे में इसकी बात करें तो चमड़ी का बहुत ज्यादा सख्त होना, फ्लेक्सिबल ना होना, उसको फिमोसिस बोलते हैं। चार स्टेजेस हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फिमोसिस का अभी तक एलोपैथी में एक ही तरीका है इसको ट्रीट करने का, और वो है सर्कमसाइज। जी हाँ, आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर से मिलते हैं, वो आपको सीधा रिकमेंड करेगा कि सर आपको सर्कमसाइज करवाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद के थ्रू हम लोग उसी फोरस्किन को इतना फ्लेक्सिबल कर देते हैं ताकि आप उसको रिट्रैक्ट ईजली कर पाए बिना पेन के। आपने सही सुना, सिर्फ दवाइयों के थ्रू और सेशंस के थ्रू हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं अभी सभी दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फिमोसिस से परेशान हैं तो प्लीज़ एक मौका हमें ज़रूर दीजिए। आप ही के लिए मैं अपने एक बहुत ही पुराने पेशेंट मिस्टर अरुण खंडेवाल जी, जो मेरे साथ में बैठे हैं आज, काफ़ी समय से इनको ये प्रॉब्लम था और जब ये मेरे पास आए तो काफ़ी परेशान थे। आज इनका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। तो अरुण जी, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आपकी जर्नी दूनवेदा के साथ, जब आप हमारे पास आए थे और अब आप कैसा महसूस करते हैं। मुझे फिमोसिस का प्रॉब्लम था। मैं दूनवेदा हेल्थ केयर में आया, एक 3 महीने हो गए। अभी मैं एकदम हैप्पी हूँ। मैं बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके आया हूँ। मुझे सर्जरी करना बोले थे उन लोगों ने। सर्जरी करना मुझे डर लगता था, इसीलिए मुझे एक आयुर्वेदिक का इनका एड्रेस मिला, इनके पास मैं आया। 2 हफ्ते के बाद ही मेरे को स्किन जो है वो एकदम लूज हो गई थी। अच्छा अरुण जी, आप कितने हॉस्पिटल्स में गए पहले और कितने डॉक्टर्स ने आपको ये बोला कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी? मैं 4 से 5 हॉस्पिटल में गया था। पुणे में भी गया था, बिरला में भी गया था, पर वो ऑपरेशन ही करना बोले थे, और ऑपरेशन करना बोले तो मुझको बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। आयुर्वेदिक जब दूनवेदा हेल्थ केयर में जब आया, उन्हें बोले आयुर्वेदिक से दवा से हो सकता है ये। मैं बोला ठीक है, एक बार कर देंगे। उन्हें बोला 2 महीने के अंदर आपका ट्रीटमेंट मैं पूरा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इधर किया और इनका रिजल्ट अच्छा है। तो अरुण जी, आप अभी तक अगर मैं आपकी प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो क्या वो कम्प्लीटली सॉल्व हुई? 99% सॉल्व हो चुकी है। अभी भी एक दवा दी है मेरे को इनने, मैं अभी वो खाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा 50 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट? 50 दिन का हो चुका है। ठीक है, तो ये थे अरुण जी, जिन्होंने अपनी जुबानी आपको बताया कि फिमोसिस का इनका सफ़र दूनवेदा हेल्थ केयर के साथ कैसा रहा। 50 दिन का ट्रीटमेंट अभी तक पूरा हुआ, 99% ये आपको खुद बता रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सेम मैं अपनी दर्शकों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी उनके मित्र, उनके भाई जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, वो दूनवेदा हेल्थ केयर सेंटर में ज़रूर एक बार आएँ। 6 क्लिनिक हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, जो भी आपके आसपास है आप उधर जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। धन्यवाद। वीडियो के दौरान आप मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा वेबसाइट, आप नीचे लिंक दिया गया हुआ है, आप उसमें जा सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे से, आप पर्सनली मुझसे पूछिए, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जल्द मैं अपनी वीडियो पीनिस एनलार्जमेंट, क्या मेरा पीनिस
सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, बहुत जल्द लेके आने वाला। शुक्रिया।